उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष चित्र खंडूरी की, की अध्यक्षता में विधानसभा देहरादून में निर्दलीय बैठक हुई बैठक में आगामी सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर सभी दलों के नेताओं के बीच चर्चा हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद शहजाद और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल मौजूद रहे बैठक में सत्र गैरसैण या देहरादून में होगा इस पर चर्चा हुई विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि विधानसभा सत्र कब और कहां होगा इस पर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से पहले आयोजित किया जाना है ऐसे में जल्दी धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें अंतिम निर्णय शीतकालीन सत्र के संबंध में लिया जाएगा देखिए आज बैठक इसलिए बुलाई थी कि हम अब आप जान रहे हैं कि 16 दिसंबर से पहले हमें सत्र करना है और ये बैठक इसलिए थी कि हम लोग आपस में चर्चा कर लें कि तारीखों पे चर्चा हो कर लें और सदन कहाँ हो इसकी चर्चा करें तो एक अच्छी चर्चा हुई है और सरकार तक हमने अपनी बात अब रख दी है अब आगे निर्णय सरकार लेती है जैसे आप जानते हैं देखिए आज बैठक इसलिए बुलाई थी कि हम आ... उपेंद्र राड़ा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से उपेंद्र ये अहम बैठक क्या जिसमें ये कई मुद्दों को लेकर मंथन हुआ शीतकालीन सत्र को लेकर देखिए बिल्कुल जिस प्रकार से आज जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक की गई जिसमें नेता प्रतिपक्ष संसदीय कार्य मंत्री और दो निर्दलीय निर्दलीय विधायक सहित जो है बसपा के विधायक जो है इसमें मौजूद रहे उसमें आ, जिस प्रकार से बैठकों को लेकर जो है वो चर्चा हुई है साथ ही जो विधानसभा सत्र होना है शीतकालीन सत्र होना है उसको लेकर चर्चा की गई क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया है कि उत्तराखंड में दो राजधानियां जिस प्रकार से बनी है एक देहरादून और

में अगर बात की जाए तो देहरादून में लगातार लंबे समय से जो है राजधानी देहरादून में चल रही है तो ऐसे में डिस्कस हालांकि अभी तक हो पाया है कि कहां कहां पर जो है विधानसभा सत्र जो है वो हो सकता है इसको लेकर डिस्कस किया गया कई लोगों की राय जो है यही है कि ज्यादातर की गैरसेन में जो है वो सत्र कराया जाए क्योंकि ग्रीष्मकालीन के समय पर भी वहां पर सत्र नहीं हो पाया और जब से धामी सरकार दोबारा से रिपीट हुई है उसके बाद से गैरसेन में सत्र नहीं हो पाया है तो ऐसे में ज्यादातर लोगों की जो राय है वो यही थी कि गैरसेन में सत्र हो लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो है सरकार पर जो है पूरे तौर पर ये देखा गया है कि सरकार जो है उस पर निष्कर्ष निकालेगी कि कहां पर जो है सत्र होना है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का यह भी कहना है कि विधानसभा की ओर से विधानसभा तो के लेकर जो है तमाम तो जो तैयारियाँ चाहे अगर गैरसेन में भी अगर विधानसभा सत्र होता है तो उसके लिए भी पूर्ण तरीके से तैयार है और अगर देहरादून में सत्र होता है तो उसके लिए भी पूर्ण तरीके से तैयार है साथ ही दूसरा जो निष्कर्ष और बैठक में जो चर्चा हुई है वो ये हुआ है कि जिस प्रकार से नौ नवंबर को जिस प्रकार से राज्य का स्थापना दिवस है और इस बार जो है बड़े हर्षोल्लास के तरीके से जो है राज्य स्थापना दिवस जो है प्रदेश में मनाया जाएगा तो इसको लेकर जो है गैरसेन के के विधानसभा परिसर में इस बार राज्य स्थापना दिवस मनाने को लेकर जो है वो चर्चा की गई और सब, सभी विधायकों और मंत्रियों को भी पत्र भेजने को लेकर जो है वो बात की गई कि सभी मंत्रियों और विधायकों को पत्र भेजा जाएगा इस बार से बड़े तरीके से जो है गैरसैन विधानसभा में जो है इस बार राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा तो कई सारी चर्चाएं जो है सर्वदलीय बैठक में हुई है लेकिन खासतौर पर ये जो आ, चर्चा है वो शीतकालीन सत्र को लेकर जो है ये चर्चा हुई थी हालांकि अब उससे उसके बाद भी अभी एक और बैठक आ, होनी है जब विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र को लेकर जब बैठक होगी तो उससे पहले भी एक बैठक आ, होनी है लेकिन आज जो बैठक हुई है उसमें यही निष्कर्ष निकाला गया कि कहाँ पर जो है ज्यादातर जो है सहमति बन रही है क्या गेडस्टैंड में सत्र हो क्योंकि अगर गेरसटैंड में अगर सत्र होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर जिस प्रकार से होती है कि ठंड ज्यादा है ऐसे में ज्यादातर विधायक जो है कई बार दिक्कतों का सामना करते हैं तो ऐसे में इसमें यह कहा गया है कि उस पर भी चर्चा होगी साथ ही दूसरा यह भी पहलू देखा गया है कि जिस प्रकार से ग्रीष्मकालीन के समय पर जो है वहां पर सत्र नहीं हो पाया है तो विपक्ष भी लगातार इस बात को लेकर जो है वो सवाल उठा रहे थे और नेता प्रतिपक्ष जिस यशपाल आर्य का भी यही कहना है कि यहां पर जो है गैरसैंड में जो है इस बार जो है शीतकालीन सत्र हो उनका यही कहना है हम लंबे समय से हम इसी किसी की मांग कर रहे हैं जब गेरसेंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है तो वहाँ पर सत्र होना बहुत जरूरी है हालांकि अब ये देखना होगा कि कहां पर सत्र होता है सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका उपेंद्र राणा इस खबर पर जानकारी देने के लिए शीतकालीन सत्र को लेकर अहम बैठक देहरादून से खबर